अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन घंटी को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल अरुण में। दोस्तों, आज हम सीआरटी टीवी पे बात करने जा रहे हैं। वीडियो कान की यह सीआरटी टीवी है जिसको हम रिपेयर करेंगे। इसमें पावर सप्लाई की समस्या है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें इंडिकेटर ग्लो होता है लेकिन ये ऑन नहीं होती है। दोस्तों, तो आइए इसको हम रिपेयर करते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं और इसको हमें कैसे रिपेयर करना है, इस बारे में हम अच्छी तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी पावर सप्लाई चेक करेंगे, क्योंकि इंडिकेटर ग्लो हो रहा है। पावर सप्लाई बन रही है, पूरी बन रही है, कम बन रही है, क्या समस्याएँ हैं, उसके आगे हम स्टैंड बाई की समस्या चेक करेंगे अगर हमारी पावर सप्लाई ओके होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए हम इसकी पावर सप्लाई चेक करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको जो है वोल्टेज जो होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पे 110 सप्लाई होनी चाहिए, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 27 वोल्ट सप्लाई है। 110 होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे 27 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारी जो पावर सप्लाई है पूरी नहीं बन रही है। तो पावर सप्लाई में कुछ मिस्टेक हैं, इन्हें हमें चेक करना है और इसको कैसे दूर करेंगे अगर पावर सप्लाई कम बनती है, इसको हमें सबसे पहले ठीक करना है। उसके बाद हम स्टैंड बाई की फॉल्ट को चेक करते हैं। पावर सप्लाई दूर करते ही स्टैंड बाई की फॉल्ट भी आपकी लगभग सही हो जानी चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले इसकी पावर सप्लाई को ठीक करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर रेड इंडिकेटर जो है ग्लो हो रहा है, लेकिन एलईडी जो है अच्छी तरीके से ग्लो हो नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई इसको 5 वोल्ट पूरी नहीं मिल रही है। क्योंकि आपकी 110 की सप्लाई जब कम बनेगी तो सारी सप्लाइयाँ जो इसमें निकलती हैं, सारी सप्लाइयाँ यहाँ पे कम बनेंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बटन से इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन नहीं होती। एक चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा, वीडियो कान में कुछ सेटों में इस तरीके की है, स्टैंड बाई करने पर 110 की सप्लाई बनती है, नहीं तो लगभग 60-59 वोल्टेज के आसपास सप्लाई बननी चाहिए। तो यहाँ पे 59 की जगह पे हमें बन कितनी रही है, 27। इसका मतलब है कि हमारी सप्लाई सही तरीके से काम नहीं कर रही है। दोस्तों, उसके लिए आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं एक डायोड लगा होता है, इसको चेक करना होता है। डायोड कभी कभी ख़राब हो जाती हैं, तब भी इस तरीके की समस्याएं आती हैं। उसके बाद आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर ये डायोड हो गया, एक रजिस्टर लगी होती है 1K की, इसकी फॉल्ट के कारण भी इस तरीके की सप्लाई प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती हैं। 1K की रजिस्टर देख पा रहे हैं दोस्तों, वैसे मैंने इसको यहाँ पे फाल्टी पाया था तो मैं चेंज कर दिया हूँ इसको, लेकिन उसके बाद भी मेरी समस्या यहाँ पे दूर नहीं हुई है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक ऑप्टो कपलर लगा होता है, इसका नंबर होता है 817। इसके फॉल्ट के कारण भी यहाँ पर समस्या इस तरीके की आती है। तो अगर इस तरीके की समस्या आती है, सबसे पहले आप को ये सारी चीज़ें पार्ट्स चेक कर लेने हैं, नहीं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। पास्ट जो पार्ट लगे हुए हैं आपके, ये उतने कॉस्टली नहीं है, इसको आप बदल के भी देख सकते हैं। उसके बाद आइए यहाँ पे देखते हैं, एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसका नंबर है 1815। ये भी ख़राब हो जाता है कभी कभी, तब भी आपकी सप्लाई कम बनती है। उसके सामने एक देख पा रहे हैं जीनर डायोड लगा हुआ है, जीनर डायोड भी कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चेक कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये रेजिस्टेंस जो था, मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया है। ज़्यादातर मोस्टली ये रेजिस्टेंस ही ख़राब हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट पे कुछ डायोड लगे हुए हैं, ये डायोड भी कभी कभी शॉर्ट हो जाते हैं, तब भी इस तरीके की समस्या आती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आउटपुट पे 4 डायोड लगे हुए हैं, इन चारों को हमें अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। तो आइए हम इन सभी को चेक करते हैं और उसके बाद हम आगे की फॉल्ट को ट्रेस करेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पे बारी बारी जितने भी डायोड लगे हुए हैं इन सभी को चेक करेंगे। तो आइए इसे चेक करते हैं। दोस्तों, पावर सप्लाई रिपेयर करने से पहले आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इसकी इनपुट और आउटपुट के जो भी पार्ट्स लगे होते हैं, आपको उन्हें अच्छी तरीके से चेक कर लेना होता है। दोस्तों, मैंने अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे लगा दिया है और उसके बाद हम डायोड को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम 110 पे जो डायोड लगा हुआ है, 110 की सप्लाई जहाँ पे आउट होती है, इसको चेक करते हैं। बाकी 24 वोल्ट की होती है, 18 वोल्ट की होती है,
दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका जो डायोड साउंड के लिए सप्लाई गई हुई है ये 60 बता रहा है। तो दोस्तों हम इसको चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक जिनर डायोड लगा हुआ था इसी सप्लाई पे, 18 वोल्ट की सप्लाई यहाँ निकल रही है, यहाँ पे जिनर डायोड लगा हुआ था। तो सबसे पहले हम इसको रिमूव करके देखते हैं जिनर शार्ट है कि ये हमारा डायोड शार्ट है। तो दोस्तों मैंने जिनर यहाँ पे रिमूव कर लिया है और उसके बाद हम जिनर को चेक करते हैं, जिनर हमारा सही है कि हमारा मेन डायोड ख़राब है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर जिनर डायोड आपका यहाँ पर शार्ट दिखा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जिनर डायोड शार्ट है। तो इस जिनर डायोड को हमें ओपन कर लेना है, यहाँ पर नया जिनर डायोड आप लगा सकते हैं। आइए उसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं हमारी शार्टिंग दूर हुई है कि नहीं दूर हुई है, फिर उसके बाद हम इसको सप्लाई देंगे और फिर चेक करेंगे दोबारा। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको वैल्यू 00 की दिखाई दे रही थी लेकिन अब ये ठीक हो चुकी है। तो आइए इसको हम वोल्टेज मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पर लगाते हैं और माइनस ब्राफ को अर्थ कर दिया है, ग्राउंड पर लगा दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हमारी सप्लाई ठीक हुई कि नहीं ठीक हुई। तो यहाँ पे हम इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करके चेक करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको 63 वोल्टेज आउट हो रहे हैं और आपकी ESD को 63 वोल्टेज जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है स्टैंड बाय रिलीज़ करने पे यहाँ पे आपकी पूरी सप्लाई बनती है। तो स्टैंड बाय हमने देख पा रहे हैं आपने रिलीज़ कर दी है, स्विच को ऑन किया है, वैसे यहाँ पर 110 की सप्लाई पूरी बन गई। दोस्तों तो हमारा सेट जो है सप्लाई ओके हो चुका है और स्टैंड बाय भी रिलीज कर रहा है। आइए इसको हम ऑन करके देखते हैं हमारा सेट अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो इसको आप शेयर करें। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने AB भी कनेक्ट कर दिया है और पिक्चर भी आ गई है, सेट हमारा पूरी तरीके से ओके हो गया है।